मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारी तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, और उसके बाद है देश में लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियां भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तैयारियों की शुरू होने के साथ ही एक सवाल जो सभी के जहन में होता है वो ये कि आखिर चुनाव में जीत किसको मिलेगी। इस रिपोर्ट में हम आपको एक सर्वे के बारे में बताएंगे जो ये बता रहा है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में जीत किसको मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, लगातार सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी हो रही हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश की, जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो वोटर्स का सर्वे आया था, एक ओपिनियन पोल वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब बात करेंगे हम लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के रिजल्ट जो हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि भले ही चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसका रिजल्ट चौंकाने वाला है। आपको बता दें, टाइम्स नाउ नव भारत ने सर्वे किया है, इसके मुताबिक लोगों से जानने की कोशिश की गई थी कि अगर आज मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य में से किसका वोट शेयर कितना होगा और किसको कितनी सीटें मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 53% वोट शेयर मिलेगा, जबकि कांग्रेस को 38% वोट शेयर मिलेगा, जबकि अगर अन्य की बात करें तो अन्य को 7.8% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। वही अब आते हैं सीटों के गणित पर। तो सीटों के गणित की अगर बात करें तो जैसा कि बताया हमने कि लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होते हैं तो बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को यहां पर निराश होना पड़ेगा, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, कांग्रेस को केवल 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ा था। वहीं अगर और पीछे जाएं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जहां एक तरफ कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी के खाते में 27 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश से आई थी। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत का ये जो सर्वे आया है इसके मुताबिक अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को भले ही ज्यादा सीटें मिले लेकिन पहले के मुकाबले, यानी कि पिछले चुनावों के मुकाबले, बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।